ये देखें ये डले हुए हैं, ये हमारी फीमेल लेबर जो हम एक दो दिन पहले ही लाए थे, और ये है हमारा बेबी रैबिट। तो ये कैसे मर गए हैं, ये वैसे मैं छत पर ही रहता हूँ 9-10 बजे तक, तो आज मैं चला गया था कहीं और मेरे घर वालों को याद नहीं रहा, और ये मतलब जस्ट धूप यहाँ आती है, धूप यहाँ 9:30 बजे आ जाती है और मैं 10 बजे तक आया, तो आधे घंटे में ये धूप के कारण मर गए, धूप की वजह से। ये देखें आप, मैं आया तो ये ज़िंदा था, मैंने इसे पानी पिलाया और उसके ऊपर पानी डाला बट ये मर गया, और ये वाला भी ज़िंदा था लेकिन ये मर ही गया, मेरे सामने ही मरे हैं सब, और ये दोनों हमारे बच गए हैं, इन पर हमने पानी डाला जल्दी से। तो अब क्या कर सकते हैं, इन्हें अभी हमें दफनाने भी जाना है। मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ रखे हुए थे, ये मैं इनके पिंजरे तो नीचे उठा लाया हूँ, इन्हें यहीं छोड़ते हैं, ऊपर चलते हैं। भाइयों ये देखें, यहाँ देखें ज़्यादा धूप भी नहीं है, हल्की धूप है, और ये यहाँ रखे हुए थे और यहीं रखे इनकी मौत हो गई। मैं आया जैसे ही तो ये जिंदा ही थे, बस मेरे सामने ही मर गए हैं। और हमारा बेबी रैबिट तो यार बिल्कुल चिल्ला भी रहा था, इसलिए मैं जल्द से जल्द ऊपर आया, पर नहीं बच पाए ये। चले हम इन्हें दफनाने चलते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम पहले ये मरे हैं, और अब हम इन्हें ऊपर रखा ही नहीं करेंगे। मैं जैसे ही सुबह 6-7 बजे फ्रा कर मैं नीचे ही रख दिया करूँगा, ताकि इन्हें धूप ना लगे। तो अब हम इन्हें दफनाने चलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। भाई हम कब्रिस्तान आ चुके हैं, और देखें मैं आपको इनकी कब्र जहाँ बननी है वो जगह दिखाता हूँ। यहाँ खोदो, यहाँ लाओ दो हथियार, उसके बाद में लाओ करना। हम खरगोशों को दफन करने वाले हैं, तो मैंने सोचा लास्ट बार आप लोगों को दिखा दूं। ये देखें हमारी ये फीमेल खरगोश, लास्ट बार देख लें इसे। ये देखें इसकी आँख भी बंद हो गई है, और ये हमारा बेबी। ये देखें इनकी कब्र बनने ही वाली है, बस यो एक प्रॉब्लम आ गई है, ये हमें गड्ढा बंद करना पड़ा। अभी हमारे खरगोश भी नहीं बंद दफन हुए हैं, क्योंकि ये जिनका घर है ना वो आंटी आ गई थी, बड़ी बेकार किस्म की थी, लानत अल्लाह उन्हें, अल्लाह मैं उन्हें लानत भेजता हूँ, कह रही हैं मेरे घर के बगल में मत गाड़ो, ये मत करो वो मत करो, तो हम लोगों ने अब यहाँ गाड़ने लगे हैं, यहाँ हम इन्हें दफन करेंगे। तो यहाँ इनका ये देखें, ये तीनों लोग काम चालू है, और इसकी ये बड़े ही खोद रहे हैं कब्र, मैं वहाँ खोदता हूँ छोटे वाले की। और चले मैं शुरू करते हैं, ये देखें ये गड्ढा मैंने बंद कर दिया है। तो और आंटी को आपको अब क्या, चलो छोड़ो यार। भाई देखें हमारा गड्ढा कंप्लीट हो चुका है बड़े वाले खरगोश का, और अभी हम छोटे वाले का यहाँ खोदेंगे। तो हम खरगोश को उठाकर साइज चेक करते हैं कि वो इसमें आ जाएगा या और गड्ढा बढ़ाना पड़ेगा। अरे भाई यार ये आ तो गया है, लेकिन अभी हम थोड़ा यहाँ और बढ़ा देते हैं ताकि कंफर्टेबल रहे। चलें ऐसे रखाते हैं, फिर आपसे गड्ढा कंप्लीट होने के बाद मिलते हैं।
भाई में कब्र कंप्लीट हो चुकी है। हम अपने बड़े वाले को उठाकर दफन कर देते हैं, फिर छोटे वाले के लिए गड्ढा खोदना शुरू करते हैं। तो इसे उठाते हैं, ये देखें यार वहाँ कितना अच्छा रैबिट था, हम एक ही दिन पहले लाए थे इसे। तो बस ये कब्र कंप्लीट हो गई है। थोड़ी यहाँ से मिट्टी हटाओ, मिट्टी हटाओ थोड़ी अंदर से, हटाओ यार क्या हो गया। ये सही से हटा दो यार। भाई ये देखें बच्चे लगे हुए हैं, उन्होंने वहाँ भी गड्ढा खोदा, फिर आंटी ने मना कर दिया, फिर उन्होंने यहाँ भी गड्ढा खोदा। सबको दुख है हमारे खरगोशों का। बस ठीक है ठीक है ठीक है, अभी कचरा हटाओ। तो भाइयों खरगोश हमारा जा रहा है अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान बड़ा रहम वाला है। हम इस पर मिट्टी डालते हैं, अल्लाह इसे सुकून दे। कपड़ा रुको 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 रुको, कपड़ा रख देते हैं, उसकी आंखों में मिट्टी आ रही है। कपड़ा उठा कर लाओ, वो रखा है। कपड़ा फाड़ लो, फाड़ लो, दो टुकड़े कर लो, बच्चे के भी रख देंगे। मिट्टी हटाओ, मिट्टी हटाओ उसके ऊपर से। पहले खरगोश उठाओ, नहीं फट रहा। यार खरगोश को पकड़ो, हमारे खरगोश यार। भाई दुआ करें कि हमारे साथ ऐसा ना हो, और हमारे और खरगोशों ने भी थोड़ी गर्मी लग रही थी, उन्हें कुछ ना हो और हमारा सेटअप सही रहे। चलो ठीक है, अरे पूरा लगा दो, फिर उसके लिए पन्नी लगा देंगे। चलो यहाँ लाओ कपड़ा, जल्दी फाड़ो क्योंकि बारिश भी आने वाली है, फिर सही नहीं रहेगा। ये देखें मौसम ख़राब हो रहा है बहुत ज़्यादा। अरे यार हटा, चलो छोड़ो यार, पूरा कपड़ा लगा दो आप। पहले इसे, पहले मिट्टी तो निकलवा, पहले इसे इसे कपड़ा बिछाओ जरा, ये मिट्टी निकालो पहले, मिट्टी निकाल दिया उसको, जल्दी जल्दी निकालो, मिट्टी निकालो, अभी तुम निकालो, हम ये साफ करोगे जब तक। गुस्से ना हटा खरगोश को, हटा तो। हाँ यार गलती मेरी ही है, मैंने इसे धूप में रख दिया था, नहीं तो ये ना कुछ नहीं होता यार, मेरी ही गलती है सब। ये देखें आप, गंदा भी हो गया है इसी की वजह से। चलो अब बिछाओ ये, देखिए साफ कवर कर दिए हमने, ऐसे मत बिछाओ अभी इसे, इसके ऊपर ऊपर भी ढाँकेंगे अभी, ऊपर से यही ढाँक। हाँ उठाओ उठाओ, ऊपर से ढाँकेंगे हम इसे, रखते हैं बिस्मिल्लाह। चलें ढाँक दें इसे, ढाँक दो ढाँक दो। चलो तो ये ढक चुका है, अब हम इस पर मिट्टी डालते हैं। चलो डालो भाई, अल्लाह तसल्ली दे हम सबको। खरगोश मर गए, मर गए खरगोश, मर गए दो, मर गए पी। ओए मुंह पे डाले यार कोई, रुको रुको पहले जिंदु करते हैं पहले। तो भाई हमारा खरगोश अच्छी तरह दफन हो चुका है लगभग। चलो भाई मिट्टी डालो सही से, सब लगा दिए। भाई इसकी ये सही करो, पानी आनी डाल देंगे थोड़ा, ताकि मिट्टी सेट हो जाए। कांटे हैं तेरे भी तो साफ नहीं जा रहे हैं। पहले उसकी कवर ठीक करो, ये सब मिट्टी डालो यहाँ पूरी, कपड़े भी डाल दो। और ऐसा करो, देखो भाई ये तुम और अज्जू दोनों लोग इसकी कवर ठीक करो, तुम वो छोटे वाले के लिए गड्ढा खोदो। चलो करो भाई, छोटा वाले को भी आप देख लें। ये देखें भाइयों क्या हाल हो गया है इसका, इसका लिए ये कवर खुद रही है। बस एक गलती की वजह से हमारे दो खरगोश आज हमारे साथ नहीं है यार। अगर हम पेट्स पाल रहे हैं तो हमें केयर, अगर आपने अगर 10 मिनट भी केयर नहीं की तो समझो वो रिस्क पर हैं, वो कभी भी मर सकते हैं। मिट्टी वो नहीं है यार, इनकी इनकी मिट्टी उठा लो, यहाँ की मिट्टी उठाओ, यहाँ की डालो, आने तो आंटी को, मैं आज देख लूँगा सबको।
तो इसकी कबर खोदने मैं भी खुदवाता हूँ, फिर आपसे बाद में मिलता हूँ। छोटे खरगोश की कबर भी खुद चुकी है, हम इसे अंदर रख देते हैं। चलो वो पन्नी लेकर आओ, जरा पन्नी वो रखी है, वो वहाँ पर से पन्नी लेकर आओ, उसके ऊपर ढांकनी पड़ेगी नहीं तो उसकी आँखों में मिट्टी चली जाएगी। भाइयों इसकी थोड़ा इसे यहाँ से मिट्टी हटाओ यार, बस ठीक है। ये देखें बंद कर देते हैं इसे, मिट्टी खोद हुआ। भाइयों दुआ करें कि हमारे दूसरे खरगोशों को कुछ ना हो, और बस यार अब क्या वीडियो बनाऊँ मैं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया होगा। बाय।